स्मार्ट नौकरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 3 मई को नीट का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, आप सबको पता है, और यह जो टाइम है एक एक दिन बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। इस टाइम को आपको कैसे तैयारी करनी है, अपने सिलेबस को कैसे मेंटेन करना है, डायरेक्टर ने क्या कहा है, इसको लेकर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह नीट का इन्फॉर्मेशन आपके तरफ पहुंचता रहे, तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। तो फ्रेंड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स को लेकर। कहा गया है कि फिजिक्स में आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस उन चैप्टर्स पे करने हैं जो चैप्टर्स आपको सबसे ज्यादा हार्ड लग रहे हैं, यानी टफ चैप्टर्स हैं, उन पे फोकस करने हैं। यानी आपको जो चैप्टर टफ लग रहे हैं उस चैप्टर्स को कंसेप्ट क्लियर करें जल्द से जल्द, और अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करें। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले थियोरिटिकल पार्ट, उसके बाद क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा, तब ही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस को लेकर कि जो इस टाइम पे आप बुक्स से क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप वो क्वेश्चंस तो लगाया ही करें, चाहे जो भी बुक्स से क्वेश्चंस लगा रहे हैं। साथ ही एडिशनल में आपको NCERT का क्वेश्चंस लगाने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड, फिजिक्स में NCERT का जो चैप्टर वाइज एक्सरसाइज का क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको लगाने हैं। ये क्वेश्चंस जो है, जब से नीट लागू हुआ है, NCERT एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वैल्यू को चेंज करके ही पूछे जाते हों या सेम क्वेश्चंस ही पूछे जाते हों, फिजिक्स में एक NCERT एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड, फिजिक्स में आप जो भी सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर अच्छे से कंसेप्ट बनाएं, उसके बाद आप चाहे जिस चैप्टर से जिस बुक से क्वेश्चंस लगा रहे होंगे उससे लगाया करें आप, लेकिन साथ में ही रोज कंटिन्यूअस 10 से 15 क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चंस लगाया करें। फ्रेंड, ये जो अगर NCERT से जो स्टूडेंट क्वेश्चंस लगाते हैं, मैं बता दूं कि उनको तकरीबन 60-70% बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और ये रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम्स में। तो NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जरूर लगाया करें, एडिशनल क्वेश्चंस छोड़ देंगे आप या लगा लेंगे तो बेहतर रहेगा कंसेप्ट के साथ। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बायोलॉजी को लेकर। मैं बायोलॉजी को लेकर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि NCERT को तो भूल ही जाते हैं लास्ट टाइम पे, और सिर्फ जो इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं उसी में लगे रहते हैं। उन स्टूडेंट्स को मैं बोल देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा आप करते हैं तो सीधा सिलेक्शन आपका नहीं होगा। आपको ठीक है, क्लास के नोट्स के पढ़ा करें, NCERT सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, जो कि डायरेक्टर ने कहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको NCERT होना चाहिए। NCERT को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका मार्क्स गेन हो सकता है। NCERT के अलावा क्वेश्चंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस NCERT या जहाँ से भी प्रॉपर NCERT बेस्ड अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस मिलते हैं उसको प्रैक्टिस करें आप। जो भी आपके क्वेश्चंस कहीं भी टेस्ट आप ज्वाइन किए हुए हैं, टेस्ट टाइम टू टाइम दें, वहाँ के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। डाउट रहता है वहाँ के टीचर्स को संपर्क करें, वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर लें बायोलॉजी को लेकर। NCERT फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देने हैं, उसके बाद ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ें और भी क्वेश्चंस लगाएं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको NCERT, फिर नोट्स जो भी आपके पास है, नोट्स जितना भी हाई लेवल का नोट्स है उसको आप पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर या कोई भी NCERT बेस्ड जो भी आपके पास बुक्स है उस पर क्वेश्चंस लगाएं। मतलब समझ लें कि आपके 100% कमांड होना चाहिए बायोलॉजी पे, 100% एक एक कॉर्नर तक आपको पढ़ जाना है, ठीक है फ्रेंड, 11th और 12th क्लास, और बार बार पढ़े। रोज सुबह मॉर्निंग में उठते ही आप बायोलॉजी को जरूर पढ़े 2 घंटे, क्योंकि आपका माइंड उस समय फ्रेश होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर पाएंगे बायोलॉजी को, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का बात करते हैं। तो केमिस्ट्री का आपके पास जो भी नोट्स हैं, आप जहाँ से भी आप थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रहे होंगे उसी को अच्छे से कंसेप्ट के साथ पढ़ाई करें। यानी आपके पास जो भी नोट्स हैं NCERT, जिस किसी भी बुक्स नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, NCERT इंस्टीट्यूट्स के नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी आपको केमिस्ट्री में बस फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक
थ्योरेटिकल पार्ट को कॉन्सेप्ट बनाने के बाद आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वगैरह जितना ज़्यादा क्वेश्चंस कर लें, ये आपके लिए बेहतर पड़ेगा। इस वक्त में क्या करें, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आप डेली अपने टाइम से 45 मिनट टाइम निकाल कर, या आधा घंटा से लेकर 40 मिनट 45 मिनट टाइम निकाल कर आप 2-3 चैप्टर्स के तुरंत फॉर्मूला को एक बार रोज़ देखें। फ्रेंड, फार्मूला देखने से क्या होता है ना कि आपका कंटिन्यूसली चैप्टर भूलेंगे नहीं जल्दी, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो डेली आधा घंटा से लेकर 40 मिनट तक आप 2-3 चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ फार्मूला को देखें, ज़रूर देखें। अगर आपके पास फार्मूला या कोई भी बुक नहीं है तो मुझे बोले आप, मेरे पास है पढ़ा हुआ सिर्फ फार्मूला बेस्ड, तो मैं आपको PDF का लिंक दे दूंगा। फ्रेंड, तैयारी आप अच्छा से अच्छा करें इस टाइम पर लापरवाही आप थोड़ा सा भी ना करें। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपको फिर से ड्रॉप करना पड़ जाएगा, सिलेक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होंगे जब आप मस्ती के मूड में होंगे। मुझे ये कहना था फ्रेंड, अच्छे से तैयारी करें आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।